गया। तो अगर आप लोगों ने कल रात का ब्लॉग देखा हो तो कल रात को हमारी बटन स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद ब्लॉग खत्म हो गया था। तो चलते आपकी बिजली सुबह पर नया देखने लगी हूँ, बाइक का बस बैठ जा रहा है, कपड़ा मारा मैं तो बताई अब बस ऑफिस की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज सुबह उसको चलाने का मगर बड़ी सप्ताह लगता है। बाइक देखते रहना, बाहर ही खड़ी कर रहा हूँ। हर हर शंभु शंभु बन गए टेबल और मेरे स्टाफ मेंबर्स, कैसा चल रहा काम? एकदम बढ़िया, गुड। मिला था अर्पर? नहीं था, यही निकाले थे। कौन? मैंने लैपटॉप तो कल पूरा दिन इसी ने यूज किया। मैं लैपटॉप पे तो काम ही नहीं किया, मैं तो कल पूरा दिन आदर लड़ता परसों है। मैं लेके गया था और फिर कल वापस आया लैपटॉप, ये लेके आया था। दीपक सिंह कहाँ है? बताओ तो सही, कहाँ गए? अच्छा मैंने थोड़ी मारा है, वो मारा असल में अकेले काशी में है, आर्यन को घर जाते हुए मैंने देखा था। जाने के बाद काशी मारा है, बोला कि दोनों लोग एक डेला चलाए थे। दोनों लोग चलाए होते अगर तो बाबा का सॉफ्ट टारगेट आर्यन था, वो तो चाह ही रहे थे कि आर्यन के खिलाफ कोई पॉइंट मिले। काशी को क्यों नहीं कुछ बोला गया? काशी तो जानता था कि आर्यन का नाम लूंगा बच्चों, आर्यन मेरे सामने घर गया और आर्यन ऐसा काम नहीं करेगा। स्कॉर्पियो खोली मैंने, फ्रंट सीट पे पत्थर वगैरह रखे हुए थे, पत्थर पत्थर बालू वगैरह सब रखा हुआ था। दोनों मिलके किए पक्की, लेकिन जब आप सोने गए ना तो मैं बाहर आया था, आर्यन अभी उसी में था, गाड़ी में था, क्योंकि कुत्ता उसका वहीं पे दोनों खेल रहे थे। तब फिर जब मैंने देखा था तब आर्यन चला गया था और गेट खुला हुआ था। हाँ तो फिर मैं जब लेने गया कंबल, तब दोनों कुत्ते वहीं पे खेल रहे थे ना, उसके तुरंत बाद मैं गया तो मैं बाहर गया पेशाब करने के लिए, तो देखा गेट खुला हुआ है, गया इसीलिए बाहर जाके करके आया और फिर गेट बंद किया। देखा मैं बोला साला रेनवा की घर से कुत्ता भाग के आ गया है क्या? तो फिर मैं डाउट हुआ कि साला हो सकता है दोनों गाड़ी में होंगे, मैं पीछे जाने वाला था गाड़ी में देखने के लिए, नहीं गया। मैं बोला छोड़ो बालू, मैं स्कॉर्पियो खोली ना बालू सीट पे, दोनों सीटों पे और पत्थर राइट साइड पे जहाँ पे बैठते पापा, नीचे पत्थर रखे थे। तो क्या कर रहे हैं? पत्थर मार के भाग के गाड़ी में आ जा रहे हैं। हमने हॉर्न भी दबा रहे थे लोग। हाँ जी, हाँ जी मित्रों, देख सकते हैं आप लोग टेबल उधड़ चुका है। ये आदमी टेबल के खिलाफ है, मैं वैसे कि ये टेबल नहीं बनना चाहिए। हाँ जी सर, क्या कहना है आपका? पहले वाला जो टेबल था वो वेस्ट था, उसकी हाइट भी थी तो सही थी, अगर किसी की हाइट बढ़ जाए तो उसको कटवा के छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पनिशमेंट पहले मिल चुका था जिसके विरोध में भी अभी काम किया गया। ये देखिए टेबल वहाँ बन रहा है, राहुल भी इस टेबल के अगेंस्ट में थे, राहुल भैया का एक वोट है लेकिन बाकी दो लोग अग्री कर चुके हैं कि ये टेबल का डिजाइन अच्छा है, कुछ ऐसा और ऐसा बन रहा है, फाइनल लुक बहुत अलग आने वाली है। हाँ जी, तो अभी लगता हम लोग ऑफिस पे ही हैं, कोई खास कुछ काम है नहीं इस वजह से अभी ऑफिस पे टाइम स्पेंड कर रहा है। देखते हैं थोड़ी देर में, उथल पुथल हुआ पड़ा पूरा का पूरा ऑफिस, लेकिन ये है कि इससे एक फ्रेश लुक अटेन हो जाएगी क्योंकि चेंजेस करते रहना चाहिए। सामान बहुत सारा हो गया था, स्पेस नहीं दिया हमारे पास। अभी आप ये वॉलपेपर्स देख सकते हैं, ये भी चेंज हुए हैं, इससे क्या स्पेस भी अच्छी हो जाएगी और अभी इसके ऊपर भी एक कैबिनेट लगा तो उसमें लाइट वगैरह, मतलब फाइनल लुक बहुत प्यारा आने वाला है इस चीज़ का। और साइज के हिसाब से पहले वाले टेबल पर क्या था, हमें उचक के बैठना पड़ता था, ऐसे ऊपर हाथ रख के काम करना पड़ता था, तो टेबल की हाइट कुछ ज़्यादा ही थी। अगर अब ये वाला टेबल सही हाइट पर बन रहा है, आप देख सकते हो वहाँ पर बन रहा है।
तो भाइयों शाम हो चुकी है, हमारे चाय वाले सामने चाय भी पी ली है, जीटी हमारी यहाँ पार्क्ड है सेफ एंड साउंड, गाड़ियों का कपड़ा लग रहा है, ओवरऑल अभी तक ठीक है, इसकी लाइट खराब है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि ऑन रोड लोकेशन है, मिट्टी विट्टी उड़ती रहती है, गाड़ियाँ जब साफ करो तब गंदी होती रहती है, लेकिन अब अपने को ये प्रॉब्लम रेडिकेट करनी है, बड़ी जगह ढूंढनी है ताकि हमारी गाड़ियाँ पार्क हो सके आराम से, चलो करेंगे। और यहाँ पर एक स्पेस का दिक्कत और भी है कि यहाँ पर मैं 1, 2, 3 और 1, 4 गाड़ी से ज़्यादा खड़ी नहीं कर सकता और उस पेड़ से आगे नहीं खड़ी कर सकता क्योंकि वो रोड की लोकेशन है फुटपाथ की, इस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है, मगर खैर ढूंढ रहे हैं, जगह मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिले वो भी ठीक है, काम तो चल ही रहा है। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या अपडेट है। अरे मैं तो कहता हूँ रेडीमेड खरीद आते हैं टेबल, हाँ जी दखल कर टेबल 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 कुछ नहीं। राहुल भाई कितने का टेबल है? 40,000 का पढ़ने वाला है भाई टेबल। तुम लोग को बताऊंगा बाद में, बताऊंगा मेरे पास बाद में। पहले वाला तो 20,000 में बन गया था, ये 40,000 में बनाया था। हाँ कबाड़ बना के रखा हुआ था, लाली को टांगे हुए थे यहाँ पे, ऐसे मुझे यहाँ पे था टांगे, बताओ कैसा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ अरे यार क्या कर दिया। चलो मिस्त्री भी है टाइम पास करने वाले ही, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, प्लाई निकाल रहे रख रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्या सुनना पड़ रहा है मेरे को आपकी वजह से? अच्छा खत्म आज कुछ नहीं होगा अब? सुनो ना, सुना ला काम चालू कर कल से, अब कल कल आना। चार दिन ही है, चार दिन आए रैकेट चार दिन, डेली का डेली यही काम है, बाहर निकालो अंदर डालो, बाहर निकालो अंदर डालो, बाहर निकालो अंदर डालो, देखा जाए तो वो जिंदगी भर का काम वही है। रख क्या बोला, एक नाइट करता काम फरियाद है, आज नाइट कर लो हम भी रुकते हैं। चलो हाँ हम और रुकते बनावा थी हमें, खाना बनाते हैं यहीं पे, भौरी चौका बनाते हैं, मटन बनाते हैं आप बोलो तो। हाँ हाँ अब हम पर कॉल बोल के गईला कि कल से 9 बजे तक रुको, अब फिर कॉल बोल दे कल से, कल से कल से करते करते दोनों निकल जाएंगे। तो चाह तक कल करें सो अब करे अब ना करो तो कहिए बोलो कल से 12 बजे से लॉकडाउन होगा। कल से करते यार अपन को फुल नाइट तैयार, फुल नाइट फुल नाइट ठीक है। चलो हम आ ना कर जा माने को रन्ना मार ले का टांग दे कल शाम को हम भी आ जाएंगे, चार गाँव के प्रधान एक सेकंड शाम को आएंगे, सवेरे का करवा सवेरे कल दोपहर बाद आएंगे कहे कल घाट थे ना उसका तो बार जब चले आपका कर पकटवा नहीं जाए पर डांस कर पका। अरे आपने मापा तरवा ये है ना, आपने कहा कि आप बाल कटवा लोगे थोड़ा सा तो करवा लिया, अब घाट क्या देखो क्यों लोग कटवा कटवाते हुए, व्हाट इज दिस दस 11 बजे ले घटवा होइबे न करी 11 से 12 ले तू पंडित के मापाता न ना। अरे यार तो आदमी आ जाई हां बार बनेला तू तो बनवाई ना करता घटा जब चलेला तबे ना संगे संगे सब चलेला पानी का तुम्हारा कोनो मतलब है ना, तनी चार्जर उठा देवा हो तब मारा मार देवा तब लेके बैठ पाओ। अरे ये और वाह जिंदा है मर गया तुम्हारा दोबारा हाथी ले बेले बे गाड़ी
रो अंडा लगाए चार डंडा होए ठंडा दिमाग होए ठंडा दिमाग होए ठंडा ऐसे जाती है ऑटो व्हील की टीम गाड़ी उठाना उस टीम में तो आप भी शामिल है कुछ आप भी कहिए अरे दाढ़ी कटवा ले अच्छा आपको जब मैं बोल रहा था सुनो मेरी बात मेरी दाढ़ी है ना शेप में इसकी दाढ़ी देख लो उसके हिसाब से उसकी भी शेप में ये शेप है इसको शेप कहते हैं फिर तो मैं फिट हूँ मैं ऋतिक रोशन हूँ फिर तो बिल्कुल हाँ हूँ मैं ऋतिक रोशन और कौन बोल रहा है नहीं नहीं हूँ मैं ऋतिक रोशन हाँ 1 2 3 आपको भी जब बोला था मैं तो बोले नहीं दाढ़ी क्यों कटवाऊँ दाढ़ी मैं नहीं कटवाने वाला हूँ उसको भी लड़के को जीत है कि मैं भी दाढ़ी नहीं कटवाने वाला हूँ अरे तो मैं तो इंसान बनने के लिए बोल रहा हूँ वो कौन सा शैतान बन के घूम रहा है गौर से देखो उससे हमसे बड़ा शैतान एकदम देख रहे हैं उसकी भी अभी उम्र है आना कोपा बिल्कुल राहुल भैया एक बाटली दूंगा आपको पूरी देखे एक बाटली के लिए बिक गए बिक गए ना अरे जाओ आपने दो बाटलियों का नुकसान किया अपना एक बाटली के चक्कर में कोई नहीं राहुल भैया मेरी एक बाटली इनकी दो के बराबर होगी बिल्कुल सही पार्क कर दी है अब देखो अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पे जाना है गाड़ी देखना ये होता है प्रॉब्लम ऑफ बीइंग अ डीलर आपको कस्टमर के घर तक जाओ गाड़ी लेकर के आओ अब क्या करें सर्विस क्लास बिजनेस है तो ये करना पड़ता है तो गाड़ी वाले भाव साहब गाड़ी तो हो गई है फेल क्योंकि हमारे दीपक सर ने इंस्पेक्शन में थोड़ी सी कमी कर दी थोड़ी सी नहीं पूरी कमी की है थोड़ी सी नहीं थोड़ी सी चेक की थी पूरी छोड़ दी हाँ तो दीपक सर ने हमारे गाड़ी की इंस्पेक्शन थोड़ी सी करी थी तो इस वजह से हमारा जो ये 10 किलोमीटर आना हुआ 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर आना हुआ वो वेस्ट तो अब दीपक सिंह हमें कुछ खिलाने वाले हैं दीपक सिंह हमें क्या खिलाने वाले हैं वो दीपक सिंह खुद अपने मुंह से बताएं तो बेहतर होगा लाड़पुर का खिलाएंगे क्या खिलाएं बताइए अब सजा यही है कि कुछ खिलाया जाए काय से यूपी चवन ढाबा इसका पता नहीं क्या ढाबा ढाबा अरे ये खाया नहीं है तब क्यों राहुल भैया नहीं भैया बनिए बार का तो है आप ही लोग भाई खाना आ चुका है घरेलू खाना एकदम जस्ट रीच्ड होम अब थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे कपड़े चेंज करेंगे उसके बाद बैठेंगे और फिर व्लॉग को एंड करते हैं दोज़ ऑफ यू डोंट नो ही इज़ टॉमी आवर पेट जर्मन शेफर्ड टॉमी हाय अभी हाय नहीं अभी खेलने के मूड में बहुत स्वीट डॉग है एक इसकी हमारे पास वो भी था पार्टनर भी था जिसका नाम था टाइगर बट अपेरेंटली वो अब नहीं है हमारे बीच अभी हाल फिलहाल में उसका डेथ हुआ है मगर ठीक है लाइफ गोज ऑन देखिए इस शैतान को कितना खेलने का मन है आजा 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 इसकी आदत हो गई है ये चौकी पे जाएगी ऊपर 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 और फिर यहाँ पे लेट जाएगी बैठ जाओ यार चांसेस कि कल मऊ में कर्फ्यू रहेगा और थोड़े दंगे फसाद के चांसेस ज़्यादा हैं इस वजह से हमने सोचा कि वैसे सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी मगर फिर भी हमें सिक्योरिटी बना करके रखनी है अपनी तो इसलिए हम शोरूम की जो गाड़ियां हैं हमारी
उन्हें घर लेकर के जा रहे हैं रातों रात, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि दंगा फसाद बाय चांस हो भी गया, एक स्क्रैच भी किसी ने मार दिया तो वो एक फटका ही मार ले, सो बेटर है कि हम इनको घर पे पार्क कर लें और कल ऑब्जर्व कर लें, परसों ऑब्जर्व कर लें, उसके बाद देखेंगे। सो अभी भाई रात के 12 बजने वाले हैं और अभी हम घर पहुँच रहे हैं, सियाज सिटी, उसके आगे एटियोस। ये आप लोग देख सकते हो एकदम नेक टू नेक गाड़ियाँ चल रही हैं, 1-2 उसके आगे 3। Here we go. एक यहाँ, दूजी वहाँ, शाबाश नंबर चमक रहा फ्लैश लाइट में, तभी HSRP लगवाई जाती है, देख रहो, तीसरी वहाँ।